तुम्हारी शॉप का लड़का कौन था? वो हमारी शॉप में काम करता है, सुबिन नाम है। अच्छा है वो? अच्छा। क्या हुआ, आपने कार क्यों स्टॉप की? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिन? हाँ कह लेना घर में जाने के बाद। क्यों, मेरी बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं कहा मैंने। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद आपको मुझसे ज़्यादा ही दूरियाँ बनानी चाहिए। जीन, व्हाट यू मीन? हाँ तुम मुझे क्या कह रही हो कि मैं तुमसे दूरियाँ बनाऊँ? हाँ मैं ये बात अभी तक भूली नहीं हूँ। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आपकी शादी सिर्फ करना एक मजबूरी थी। मजबूरी? छोड़ो मुझे हरिम जी, क्या कर रहे आप? जीन, मजबूरी को जाने तो फाड़ने। सुनो मेरी बात, तुम मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे आप मुझसे दूर हटिए। I'm sorry, वो मुझे बस घर जाना है। I'm sorry, वो मैं ज्यादा ही थोड़ा सा जीन, मैं कॉफ़ी लेने के लिए आई हूँ। जीन रुको, आई एम सॉरी कहा ना मैंने, एक्चुअली उस टाइम मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा तो। आई एम सॉरी, ये क्या करें आप? तुम्हें चोट लगी ना? देखिए मैं बस दवाई लगा कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक हो जाऊँगी तुम, ठीक है? और मानता हूँ कि हमारी शादी जिस भी कंडीशन से हुई, आई डोंट केयर। मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और कितनी बार मांगूँ मैं तुमसे माफ़ी। हाँ देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे होते हुए किसी और पराए आदमी के साथ, मतलब मैं तुम्हारी भी फिक्र कर रहा था और कुछ नहीं जिन, बिकॉज मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई डोंट नो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ बस, और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बच्चे को माँ का प्यार दिया और तुम मेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ हो। हटिए यहाँ से। आई एम सॉरी बट आप जिस तरीके से मुझे टच कर रहे हो उससे मुझे इरिटेट फील हो रहा है, तो आप प्लीज मुझसे दूरियाँ बनाकर रखिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंकल क्या हुआ, आप ठीक हो? नहीं जिमिन, मेरा फिर से सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। आई डोंट नो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, आप अकेले कैसे जाओगे? आप चलिए जल्दी हॉस्पिटल चले पहले, फिर जाएंगे हम घर। नहीं जिमिन, तुम घर जाओ। नो वे, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अंकल चलिए जल्दी हॉस्पिटल की ओर, वरना आप बेहोश हो जाओगे। पर चलिए अंकल, आप भी ना। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? अंकल ठीक हो जाएंगे? मैं इन्हें सलाइन लगा कर देती हूँ, इन्हें काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी है। इससे इनका सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, काफी ज्यादा सोचते हैं और टेंशन भी ले रहे हैं। अंकल बुढ़ापे के चक्कर में कौन सी टेंशन ले रहे हो आप? जिमिन सॉरी, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। नो जिमिन, तुम जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं यहीं पर रुकूंगी। आधा घंटा हो चुका है जिमिन, कैसे कहूँ? क्या हुआ अंकल, आप ठीक हो? जिमिन मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा,
कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर जाती हूँ, चलिए। ये क्या कर रहे हो, लगा मुझे। आराम से तो करना चाहिए था ना। I'm sorry, वो कहने की मैंने देखा नहीं और sorry। हाँ ठीक है, चलिए मैं ना आपका ये पानी का बोतल पकड़ती हूँ, रुकिए मैं पकड़ती हूँ। हाँ ठीक है। तो हाँ ये रहा बाथरूम, पर बाथरूम जाओगे कैसे ये लेकर? आप चले जाओगे ना? क्या तुम नहीं आओगी? अंकल आप ही क्या कह रहे हो, हाँ ये लीजिए आप जा सकते हो। हाँ ठीक है, दो मैं खुद चला जाऊंगा, तब तक मैं नर्स को बुलाती हूँ, आपके हाथों से ब्लड निकल रहा है। हाँ जीमिन। नर्स? ओ शिट, नर्स कहाँ पर है? नर्स? कितनी प्यारी लड़की है। जोरों से लगी, भाग जल्दी वरना निकल जाएंगी। चले भी गए इतनी जल्दी? अंकल शुगर आ गया, आपका हो गया क्या? हाँ जीमिन हो गया है, चलो जल्दी दीजिए। अरे आराम से निकल जाएगा, पहले थोड़ा सा निकल चुका है ये लड़की ना। लग चुका है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। नींद आ रही मुझे, क्या करूं? वैसे अब आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जीमिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, वो कहने की। बोलिए ना क्या हुआ? वो जो इधर आओ पहले तुम। क्या हुआ अंकल, आपको फिर से सुसु लगी क्या? जीमिन बोलो क्या हुआ? वो ना मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं वो मैं ही हूँ जिसके साथ तुम बात कर रही थी। मैं कुछ समझी नहीं। वो आईडी थी ना मेरी वाली, और मैंने तुम्हें मतलब तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, वो मैं ही हूँ। क्या आप इतनी का टेंशन कैसे हो सकते हो? हाँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैं जानता, पर अभी बताया बाद में पता, एक ही बात है ना। बिल्कुल नहीं, आप बहुत घटिया इंसान हो। मैं उससे, छोड़ो जाने दो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। जी मीन, अच्छा आई एम सॉरी, हम ऐसे भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स? नहीं मुझे नहीं बनना है आपका फ्रेंड, प्लीज। जी मीन यू नो वॉट, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, इस वजह से तो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका हूँ, मुझे बस फ्री होना है, बस फ्री होना है। क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनोगी? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हे जेहोप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आज मैं किसी भी हालत में टाई को अपने साथ घुमाने लेकर जाऊंगा। मैंने सोच लिया है यार, एक बार में मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर नहीं लेकर गया हूँ, इस बार तो पक्का लेकर जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। यू नो व्हाट, टाई सच में बहुत प्यारी है, उसे तो कुछ समझता भी नहीं, और मैं कुछ भी कहूँ ना तो वो मेरी बात को ना अनदेखा कर लेती है। अरे वो तो छोटी है ना? हाँ वो बहुत छोटी है दिमाग से। ओके बाय। हाँ ठीक है बाय, आराम से जाना उड़ता फिरता। गाइस ये तो सच में बहुत अमेजिंग है, थैंक यू। हाँ फाइनली तुम आई गई, बाकी की कहाँ पर है? वो वहाँ पर इंजॉय करे, चलो। तुम जानते हो कि आज हमारे इस नाइट क्लब में कितना ज़्यादा मतलब कि मुनाफा हो चुका है, और आज तो जागोक भी आने वाले हैं, और साथ में आ जाओ बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे ये बात तो सच है, अगर जीजू को पता चला ना तो बहुत ज़्यादा तुम नहीं जानती। आर्मी आयु जो है वो रोज की बेस्ट फ्रेंड है, जिससे आयु को सब पता है कि जंगो ग्रेड लाइट एरिया का बिजनेस करता है, मतलब कि वहाँ पर लड़कियों को सप्लाई करता है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ?
इस तरीके से नहीं किया जाता है। हाँ ओके, मैं बताती हूँ। ये बहुत इजी है, इसे खेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे मैं बहुत बार खेल चुकी हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, ये तो कितनी जल्दी तुमने कर लिया। हाँ, ये तो बहुत आसान था। चलो ओके, एक मिनट बस, साले एक बात बता, तूने तूने क्यों 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 मुझे वहाँ पर ढकेला हो? यार तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जेनी, तुम यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर। क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ, इस गंदी जगह पर? ओह कम ऑन ब्रो, इट्स नॉट योर बिजनेस, समझे तुम? रोज मेरी फ्रेंड है और उससे मिलने के लिए आई थी मैं। अच्छा, अच्छी बात है, काय इससे मिलो। ये है मेरे भैया की साड़ी, आयो। और ये तो हमारे साथ ही है, तुम तो जानते हो कि काफी समझदार लड़की है। हाँ, वो तो मैं हूँ। हेलो हेलो, हे बॉयज, चलो कुछ फन करते हैं। ओके चलो, चल शुगा।